आज नवरात्रि व्रत के लिए बनाने वाले हैं कुरकुरे लच्छेदार पकौड़े, वो भी मिनटों में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुक इट रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज व्रत के लिए हम बनाने वाले हैं पकौड़े। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सिर्फ मिनटों में आप ये पकौड़े तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कच्चे आलू लिए हैं जो मैंने छील लिए हैं और धोने के बाद उन्हें पानी में डाल कर रखा है। अब हमने एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें भी हमने पानी भरा है। अब हमने ये लिया है कद्दूकस और हमें ये बड़े वाले छेद वाला, जिसमें बड़े होल्स होते हैं, वो वाला ग्रेटर लेना है। तो बस हम इसे ग्रेट कर लेंगे आलू को। देखो, आलू को जो हमने ग्रेट करना है ना, इस साइड से करना है, जो लंबाई वाली साइड होती है उसी से हमें ग्रेट करना है, क्योंकि हमें इसे लच्छा तैयार करना है, लच्छेदार पकौड़े बनाने हैं, इसीलिए हमें इसे लच्छे वाली साइड से, ताकि लंबा लंबा बड़ा बड़ा लच्छा आए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने उसे ग्रेट किया है। तो देख रहे ना कितना बड़ा बड़ा लच्छा है, इसी तरीके का लच्छा हमें चाहिए। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत पतला लच्छा निकला तो हमारे जो पकौड़े हैं बहुत क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए, हमने आलू से लच्छा तो तैयार कर लिया है, कितना बड़ा लच्छा है, और बिल्कुल हमें इसके लिए देखिए मोटा थोड़ा सा चाहिए। तो बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा धो लेंगे। तो एक दो बार हम इसे पानी से निकाल लेंगे, अच्छे से धो लेंगे। तो हम दूसरे बोल में मैंने पानी लिया है और उसमें ये आलू का लच्छा डाल देंगे। साफ पानी आने तक हम थोड़ा सा इसको धो लें। तो बस अब देखिए पानी बिल्कुल साफ है, मैंने 2 बार इसे धोया था। और मैंने अब एक और बोल लिया है, उसके ऊपर जाली रखी है और अब ये जो लच्छा है हम जाली पर निकाल कर रखेंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। तो देखिए, हम अच्छे से इसे निचोड़ देंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें इसके लिए, बिल्कुल टाइट निचोड़ दें ताकि सारा पानी इसमें ड्रेन आउट हो जाए। तो देखिए, इस तरह से प्रेस करते हुए हमने आलूओं से सारा पानी निकाल दिया है। अब हम एक दूसरे बोल में इसको निकाल लेंगे। तो अब हमारे लच्छा जो है पानी से बिल्कुल निकाल दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 चम्मच ली है लाल मिर्ची पाउडर। आप कोई भी मसाला अगर व्रत में नहीं खाते हैं इसमें से, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो मैं यहाँ पर मिर्चें ले लेती हूँ, लाल मिर्च, ब्लैक काली मिर्च, अगर आप कोई से भी मसाला स्किप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं व्रत के लिए आटा। तो यहाँ पर कूटू का आटा ले सकते हैं या फिर चावल का आटा ले सकते हैं, व्रत के जो चावल होते हैं, या फिर साबुदाने का आटा भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कूटू का आटा ले रही हूँ जो व्रत में खाने में हम यूज करते हैं। तो बस इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें हमें बिल्कुल नहीं डालना है, जो पानी था वो हमने पूरी तरह से निचोड़ दिया है। और नमक देखिए हमने अभी तक नहीं डाला है, पहले हमें इसे इसी तरह से मिक्स करना है बिना नमक के। तो देखिए, हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें। मैंने 1 चम्मच इसमें नमक मिक्स किया है। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 से 1.5 चम्मच जो धनिया होता है, मोटा धनिया जिसे हम मसाले में यूज करते हैं, उसको क्रश करके। इसका जो टेस्ट होता है बहुत बढ़िया आता है, बस यही चीज है जिससे हमारे पकौड़े का टेस्ट बढ़ जाता है। और लच्छेदार पकौड़े हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इसका जो फ्लेवर है धनिए का, वो पकौड़े में बहुत बढ़िया आएगा। तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये यूनिक से मसाले वाली रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे नमक डालने के बाद पानी बिल्कुल नहीं डाला है, नमक ने जो पानी छोड़ा है उसी से ये कितना अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख रहे हैं ना। बस इसी तरीके का हमें चाहिए और अब हम इसकी कोई शेप नहीं चाहिए, लच्छेदार पकौड़े हैं, इसी तरह से बस हाथ में लेंगे और रफली हम ऑयल में छोड़ देंगे।
तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। मीडियम हीट पर हमें इसे गरम करना है और देखिए एक लच्छा डालकर हम चेक कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी फ्राई नहीं होना चाहिए, हाई हीट पर इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, वरना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हमें मिक्सर लेकर ऑयल में इस तरह से छोड़ देना। इसकी कोई शेप हमें नहीं तैयार करनी है, कोई गोल नहीं बनाना है, कुछ नहीं, बस इसी तरह से रफली हमें इसे छोड़ना है। इसका जो लच्छा आएगा वो तभी क्रिस्पी बनेगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो देखिए इसी तरह से हम सारे पकौड़े ऑयल में छोड़ देंगे। मीडियम हीट पर जब ऑयल गर्म हो जाता है तो उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। तो इस तरीके से लो टू मीडियम हीट पर ही हमें फ्राई करना है। अभी हमने पकौड़े छोड़ दिए हैं तो कुछ देर हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो देखिए जब पकौड़े ऊपर से ड्राई होने लगे हैं तब हम इसे पलटेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम से लो रखना होगा और बस इसी तरह से पलटते हुए पकौड़े तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स इस नवरात्रि आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भी बताएं कि आपको ये क्रिस्पी लच्छेदार पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए अच्छे से जब तक गोल्डन नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इसे पलटते हुए फ्राई करना है। और अब इसमें आ गया है कलर, अच्छा सा गोल्डन कलर। तो देखिए अब हमने इसे जाली पर निकाल लिया है। तो देखिए जो हमारे लच्छे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो बस हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। आप इसे धनिये की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। दही के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। दही में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालिए और उसके साथ आप इसे सर्व कीजिए। हरे धनिये की चटनी और दही के साथ जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत बढ़कर आता है। तो मैंने अभी इसे धनिये की चटनी के साथ सर्व की है। धनिये की चटनी भी मैंने व्रत वाली ही बनाई है। तो देखिए हमारे जो पकौड़े हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, अंदर से भी क्रिस्पी है और बाहर से भी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। और चलिए आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।